हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ रोहित चौहान एंड टुडे आई विल टेल यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो फ्रेंड्स, वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी आप TGT की तैयारी कर रहे हैं या आप स्टूडेंट हैं क्लास 11th और 12th के, तो आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको ऑन रखिएगा, ताकि फ्रेंड्स आपको ऐसी ही जो वीडियो को जो नोटिफिकेशन है वो फ्रेंड्स समय पर मिलती रहे। और चलिए फ्रेंड्स, सेशन करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नंबर 1 रैंक पर आता है, डिस्क्लोज़र ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। डिस्क्लोज़र मतलब क्या होता है, कोई अकाउंट पॉलिसी को स्टार्ट करना। तो नंबर 1 पर क्या होता है, डिस्क्लोज़र ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। नंबर 2 पे फ्रेंड्स नाम आता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, मतलब कि जो स्टॉक्स होती है उनकी वैल्यू बताना। तो वह फ्रेंड्स जो है अकाउंटिंग नंबर 2 पर आती है। नंबर 3 पे फ्रेंड्स आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है, कैश इनफ्लो होती है तो आउटफ्लो भी होती है। यह फ्रेंड्स एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जहाँ पर हम कैश से रिलेटेड चीज़ें हम उसको डालते हैं। एक तरफ आपका इनफ्लो होगा तो एक तरफ आपका आउटफ्लो होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स है नंबर 4 पर है कंटिजेंस ऑफ, मतलब कि अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट बनाएंगे। तो नंबर 3 पे जब भी क्वेश्चन आ जाए अकाउंटिंग नंबर 3 पर क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 पर आती है आपकी बैलेंस शीट, याद रखिएगा। उसके बाद नंबर 3 पे है आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट, नंबर 4 पर है आपकी बैलेंस शीट, याद रखिएगा। मैंने नंबर 3 पे क्या बताया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, और नंबर 4 पर है आपकी जो बैलेंस शीट आती है। उसके बाद आती है नंबर 5 पे आती है हमारे नेट प्रॉफिट हो या फिर नेट लॉस हो, मतलब कि जब हम बैलेंस शीट हम निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी की पोजीशन क्या है। बैलेंस शीट हम क्यों निकालते हैं, उससे पता चलता है हमारी कंपनी की पोजीशन कैसी है। तो बैलेंस शीट के माध्यम से उसको हम पता कर सकते हैं। देन आफ्टरवर्ड यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 पे आती है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होती है, कोई हास होती है, जैसे कोई मशीन हम खरीदते, आज 5 लाख की मशीन है तो खरीदी है और धीरे धीरे उसकी वैल्यू क्या है वो गिरती चली जाती है, इसे फ्रेंड्स कहते हैं डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट फ्रेंड्स है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 पर आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं है ना, कंस्ट्रक्ट जो करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेना, ये फ्रेंड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 पर आता है। नंबर 9 पे आपका आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू मतलब क्या होता है, जब कोई पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं और हमें कोई इनकम जनरेट होती है उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन। नेक्स्ट फ्रेंड्स है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10, जहाँ पर फिक्स एसेट के बारे में बताया गया है। फिक्स एसेट जैसे क्या होती है, जैसे कि आपकी बिल्डिंग है, मशीनरीज है ना, ये सभी आपकी जो फिक्स एसेट्स में आती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स है यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 11, यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड ये चीज़ें यहाँ पे आती है, जो बाहरी जो एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, जो चेंज इन इफेक्ट ऑफ चेंजिंग ऑफ फॉरेन रेट्स, फॉरेन एक्सचेंज, तो यह फ्रेंड्स जो आती हैं ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 11 में आती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12 में आती है आपकी जो गवर्नमेंट ग्रांट्स करते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स आती है, ये अकाउंटिंग नंबर 12 में आती है। और जो गवर्नमेंट ग्रांट करते हैं, ठीक है, जो सरकारी जो ग्रांट जो आपको देते हैं, ग्रांट करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स है यहाँ पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 13, ये जो है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट से संबंधित है। अगर कोई हम इन्वेस्ट करेंगे तो ये चीज़ें जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 13 पे आती है। नंबर 14 पे जो है यहाँ पर अकाउंटिंग फॉर एमिग्रेशन, एमिग्रेशन जो है ये आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 पर आती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स है यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16, यहाँ पे जो कॉस्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 पर आती हैं। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 17, जो किसी इसको कोई रिपोर्टिंग करना हो सेगमेंट से रिलेटेड, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 17 पर आती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 18, यह फ्रेंड्स जो पार्टी से रिलेटेड जो प्रस्तुतिकरण करते हैं यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 18 पर आता है। अगला फ्रेंड्स यह है यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 19, यह फ्रेंड्स जो है लीज जो होते हैं ना, पट्टे पे दो कोई चीज दी जाती है,
उधारी पे कोई चीज़ दी जाती, लीज पे दी जाती, पट्टा कहते हैं। यह फ्रेंड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 19 पर आती है। अगला फ्रेंड्स है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 20। यह फ्रेंड्स जो होता है अर्निंग पर शेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि EPS कहते हैं। ये फ्रेंड्स पेपर में बहुत बार, मतलब कि फ्रेंड्स अगर आप जैसे अभी TGT की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये एक जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड संबंधित एक प्रश्न तो 101% आएगा, तो इसलिए वीडियो आप पूरा देखिएगा। अगला फ्रेंड्स है यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 21, मतलब ये है आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित है ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 21। नेक्स्ट फ्रेंड्स है 22 फ्रेंड्स क्या है अकाउंटिंग फॉर टैक्स और इनकम, मतलब कि जो इनकम टैक्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं यह फ्रेंड्स आती है 22 पर आती है। अगला फ्रेंड्स है यहाँ पर 23 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 23। यह फ्रेंड्स जो है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यह फ्रेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, नंबर 23। नेक्स्ट फ्रेंड्स है यहाँ पर 24, ये होता है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। जो ऑपरेशन हैं जो डिसकंटिन्यू हो रखे हैं वह फ्रेंड्स आती है 24 पर आती है। और 25 फ्रेंड्स होती है इंटरिम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये 25 पर आती है। मतलब कि आपको जो है जो बेसिक चीज़ें हैं वही आपको पढ़नी है, परंतु फ्रेंड्स ये टॉपिक जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर आपको सबको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए मैं आपको सब चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अगला फ्रेंड्स है यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26। यह फ्रेंड्स जो है ये आपका इनटेंजिबल एसेट्स पे आती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26, याद रखिएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। मतलब कि आपको बता दूँ, एक है आपका अकाउंटिंग नंबर आपका 19 है, 20 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 है, 1 है, और ये डेप्रिसिएशन वाला जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6। ये फ्रेंड्स पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो अगला फ्रेंड्स है यहाँ पर 26 वाला भी बताया था, वो फ्रेंड्स है आपका इंटेंजिबल एसेट्स पे आता है। और नेक्स्ट फ्रेंड्स है 27 पर जो है फ्रेंड्स आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, याद रखिएगा, इतना बहुत है आपके लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगला फ्रेंड्स है 28 पर है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, मतलब इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स से रिलेटेड जो है 28 पर आता है। 29 जो है फ्रेंड्स ये कॉन्टिनेंट लाइबिलिटीज ऑफ एसेट्स पर आता है, याद रखिए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी और कॉन्टिजेंट एसेट्स ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 29। और फ्रेंड्स जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 30 ये है आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर रिकॉग्निशन होगा और मेजरमेंट भी चीज़ें यहाँ पर आएंगी, याद रखिएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 30। नेक्स्ट फ्रेंड्स है 31 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पर प्रेजेंटेशन करेंगे हम, ठीक है, याद रखिएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 31 जहाँ पर हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि इसमें हम प्रेजेंटेशन करते हैं, यह आपका जो है 31 पर आता है। और 32 पे फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा आपका फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, जो स्टेटमेंट उसको प्रस्तुतिकरण करते हैं, यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 32 में आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है एक बार भाई, चैनल को अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन ऑन रखनी है ताकि फ्रेंड्स आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वह फ्रेंड्स आपको समय मिलती रहे। और चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।